दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं अंडे से वशीकरण, वो भी अचूक वशीकरण। जी हाँ, अगर आप किसी लड़की को, किसी भी महिला को, अपनी बॉस को या फिर किसी मर्द को भी, अगर कोई आपकी जिंदगी में ऐसा लड़का है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, तो महिलाएं या फिर पुरुष कोई भी इस वशीकरण का इस्तेमाल कर सकता है और अपने जिंदगी की जो भी समस्या है उसे आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताती हूँ इतना आसान वशीकरण जो कि एक अंडे से आप कर सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान तुरंत, यानी कि तुरंत हो जाता है। इसके लिए जो समय लगता है वो मात्र 24 घंटे का लगता है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी समस्या सॉल्व हो जाती है। और इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले एक अंडा ले लीजिए और आपको जरूरत पड़ेगी एक पेन की। पेन आपको मार्कर वाला लेना होगा, मतलब अगर आप नॉर्मल पेन लेते हैं तो उस पर चलेगा नहीं, तो इस तरह का जो सॉफ्ट जेल टाइप के पेन होते हैं वो आप ले लीजिए। इस पर आपको सबसे पहले तो उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप किसी लड़की का वशीकरण कर रहे हैं तो सबसे पहले उस लड़की का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर मैं यहाँ पर नाम लिख रही हूँ, देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे लड़की का नाम लिखा है रूही। और उसके अलावा आपको इस नाम के ठीक ऊपर बनाना होगा एक स्वास्तिक का चिन्ह। जी हाँ दोस्तों, स्वास्तिक का चिन्ह एक बना दीजिए। शुभ काम में हमेशा एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है और हम यहाँ पर गणेश जी का चिन्ह इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम एक शुभ काम करने जा रहे हैं जो कि हमारी समस्या जो है उसको सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। तो लड़की का नाम आप लिख दीजिए और पीछे आपको बनाना होगा एक यंत्र। जी हाँ दोस्तों, 9 खाने का यंत्र हम इस पे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, मैं इसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी आपको दे दूंगी जिससे कि आप इसको अपने आप एक बार वीडियो को रोक कर और फिर देख सकते हैं और फिर उसे बना सकते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा कुछ इस तरह से, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ये यंत्र बनाया है। तो इसमें आपको ये 9 खाने का बनाना है, इस तरह से आपको लिखना है। आप देख सकते हैं 5, 13, 7, उसके बाद है 3, 1, 17, 6, और ये वाले खाने में आपको कुछ नंबर नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको उस लड़की का नाम लिखना है। आप अगर आपने छोटा खाना बनाया तो आप पूरा नाम अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप उसे बिल्कुल छोटा छोटा करके यहाँ पे नाम लिख दीजिए और लास्ट में आपको लिखना है 1। इस तरह से आपको यंत्र बना के तैयार करना है दोस्तों। और इसके बाद आपकी ये विधि करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए। अब आपको जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी लाल सिंदूर की, तो आप लाल सिंदूर ले लीजिए और उसके बाद यहाँ पर जहां पर आपने लड़की का नाम लिखा था वहां पर आप इसे अच्छे से लगा दीजिए। इस तरह से लगाने के बाद आपको एक मंत्र पढ़ना है, वो मंत्र है ओम कामदेवाय अमुकम वश्य कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है दोस्तों 108 बार और इस अंडे को ले जाकर आपको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। बहते हुए जल में आप इस अंडे को जब बहाएंगे तो आप उसके बाद अपने घर आ जाइए और आप देखेंगे कि मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर ये महिला या ये लड़की या जिसका भी आपने वशीकरण किया होगा, जिसका भी आपने नाम इस अंडे पर लिखा होगा, वो आपके वश में होगा और आपका कार्य पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसे कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल आता है आपके दिमाग में या कोई और समस्या है या फिर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ये वशीकरण करें तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं दोस्तों, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, गुरुजी आपकी समस्या का समाधान तुरंत कर देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।